में आपने पंचायती राज के बारे में पढ़ा था, थ्री टायर्स ऑफ गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, स्टेट सेंट्रल स्टेट एंड विलेज लेवल पे, वो हम देख चुके हैं। वी लुक एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास सेवन बुक, और क्लास सेवन में आपने फंक्शनिंग भी देखी है, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन होती है। नाउ इन दिस ईयर यू विल रीड मोर अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आप यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्क के बारे में पढ़ेंगे। द वास्ट मेंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मेंट दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डाइवर्स दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली एंड मेकिंग डिसीजंस फॉर एवरीवन। अब ये पॉसिबल नहीं है इतनी बड़े कंट्री में कि कोई एक पर्सन जो है वो न्यू दिल्ली या कैपिटल में बैठकर किस सारे देश के लिए डिसीजन ले और पूरे देश को अकेला चलाए। इंस्टेड इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट सो दैट डिसीजन कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। तो ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है अनदर लेवल पे भी वर्क करे, जैसे स्टेट लेवल पे, और अपने अपने एरिया में वो काम करे। वाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉयज एंड autonomy in existing powers on certain issues subjects of national concern require that all of these states follow the law of the central government। जहाँ वो अपने लेवल पे अपने पावर का यूटिलाइज करते हैं यानी स्टेट लेवल पे, वही उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के भी लॉज को मानने पड़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन लिस्ट दैट डिटेल द इशू दैट ईच टायर ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑन। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाई वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे कुछ डिसाइड किया हुआ है कि अपने लेवल पे वर्क कैसे करेगी गवर्नमेंट, और उसके जो वर्क करने के लिए उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, जो मनी है, वो कहाँ से आएगी, सारा कुछ उन्होंने डिसाइड किया। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। ऑल पर्सन इन इंडिया आर गवर्न बाई लॉज एंड पॉलिसीज मेड बाई ईच ऑफ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। और इन्हीं जो गवर्नमेंट की जो लॉज बनी हुई है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो, हर सारे सिटीजन्स को उसके उनके लॉज को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर स्टेट में है तो स्टेट लेवल पे, और जो अगर नेशनल लेवल पे कोई डिसीजन होता है तो उनको भी फॉलो करना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द डिफरेंट टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब थ्री टायर्स जो हमने पढ़े थे उनको कौन चुनता है, उनको रिप्रेजेंटेटिव कौन बनाता है, पीपल बनाते हैं, इलेक्ट करते हैं। योर क्लास सेवन बुक बिगेन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वॉज स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग द इलेक्शन। सेवन क्लास में आपने कांता की स्टोरी पढ़ी ही होगी जिसमें वो इलेक्शन के लिए लाइन पर खड़ी है वोट देने के लिए। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। वैन दे वेयर मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन द मेम्बर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फेल दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैड प्रिपेयर द मासेज फॉर यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज एंड दैट दिस वुड हेल्प इनकरेज अ डेमोक्रेटिक माइंड सेट एंड ब्रेक द क्लचेज ऑफ ट्रेडिशनल कास्ट क्लास एंड जेंडर हायरार्कीज। तो इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी करती है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज देती है, हमको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है जिसमें कि हर एक एडल्ट को अपना वोट देने का अधिकार होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हमारा राइट्स है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। फ्रीडम जो थी हमको स्ट्रगल के बाद मिली थी, और इसके बाद पब्लिक को, पीपल्स को उनके अधिकार दिए गए थे जिनमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट था ये वोट देने का अधिकार, यानी यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। जिससे ये भी एक होता है कि जो ट्रेडिशनल वे में चला आ रहा था कास्ट क्लास जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, वो भी यहाँ से दूर होती है, एक हद तक इसको दूर करती है। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब इस तरह से क्या होता है, हमारे पास एक डायरेक्ट रोल, पब्लिक का एक बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, उनका भी एक रोल होता है गवर्नमेंट बनाने में, जो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं। Also, every citizen of the country, irrespective of his or her social background, can also contest in elections. These representatives are accountable to the people. You will read more about why representation is crucial to democratic functioning in Unit 2 of this book. अब आगे इस बुक में आप आगे भी सेकुलरिज्म के बारे में पढ़ोगे, और आगे हम बहुत सारी चीज़ें इस बुक में कंटिन्यू करेंगे इलेक्शंस के बारे में। तो ये एक इलेक्शन का जो हमको दिया गया प्रोसेस, या फिर हमको वोट का जो अधिकार दिया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एक फ्रीडम में हमारे राइट्स में इंक्लूड होता है। नाउ द सेपरेशन ऑफ पावर, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर। थैंक यू।